स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज कुछ 7 बातें जो मेरी समझ मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगती है कि मैनिफेस्ट करते टाइम या एक अच्छी पीसफुल जिंदगी जीने के लिए आपको करनी चाहिए। एक इंसान ने मुझसे, एक जो है मेरे क्लाइंट, उन्होंने मुझसे सेशन लिया था और उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि आप मुझे 1, 2, 3 करके लिखवा सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो मुझे लगा ये कंटेंट शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना देती हूँ। सबसे पहली बात, जो नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं उनसे अपने आप को काट लीजिए। उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत प्यार से अपने आप को उनके साथ कन्वर्सेशन में इंडल्ज नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है। टॉक्सिक और नेगेटिव लोग मतलब क्या, एक तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको वाइब से ही पता चल जाएगा कि हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ बैड, जिनसे आपको बैड वाइब्स आती है। दूसरी ऐसे है कि बैड वाइब्स नहीं आती है, लेकिन आपको उनसे बात करके अच्छा नहीं लगता है। शायद वो आपको नीचा गिराते हैं, आपको कहीं ना कहीं राइट फीलिंग नहीं आती है उनसे मिलके, ठीक है। सो दोज आर द पीपल, आप अपनी फीलिंग से जांच सकते हैं। अगर आपको वाइब समझ में नहीं आता तो उनको मिलने के बाद क्या आपको थोड़ा सा लो फील होता है, आपको ऐसा होता है कि अब मैं थक गई। तो दिस इज़ सर, मैं अपनी लाइफ से 2 ऐसे लोगों का एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो आके आप लोगों को इतना सारा ज्ञान बांटती हूँ ना, तो भाई मुझे ज़िंदगी ने लोगों के थ्रू बहुत ज़्यादा शिक्षाएँ दी है, तब जाके इतनी अकल आई है, ठीक है। तो मेरी एक कलीग थी, 2 साल तक वी वर वर्किंग एंड शी वॉज सो नेगेटिव। मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते थे उस जगह के बारे में नेगेटिव हमेशा बोलते रहना, ये लोग गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमारे बॉस गलत है। उससे मतलब, और उस टाइम पे मैं बहुत नाइव थी, जैसे मुझे सुनने वाले कई सारे लोग होंगे। हम जब छोटे होते तो हमारी जो ब्रेन वॉशिंग हो रही होती है इनडायरेक्टली, वो हमें समझ में भी नहीं आती, पर उनके साथ रह रह के हमारे दिल के अंदर भी हर चीज़ के रिलेटेड शंका पैदा होना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। और वो लोग बुरे ऐसे नहीं होते, पर उनके अंदर की इनसिक्योरिटी वो ऐसे झलकती रहती है हमेशा। लोगों की बुराई आपके सामने करते हैं, शायद आपके सामने अच्छे बनने के लिए, या शायद बस वो है ही ऐसे या आपको अपनी तरफ रखने के लिए। लेकिन जो इंसान हमेशा नेगेटिविटी का प्रदर्शन आपके सामने करता है, देश के हालात ख़राब है, ये है, वो है, प्रैक्टिकल होना सही बात है, चीज़ें खराब है, सब समझते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर पर्सन होगा उसके पास दोनों रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू होंगे कि हाँ इतनी चीज़ें ख़राब है पर ठीक है, हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारे लिए राइट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी एक मेरे कलीग थे जिनका, तो मैं आपको एक, मैं बोलती हूँ मैं वाइब बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। मुझे इतने प्यार से घर पे आज तक किसी ने इन्वाइट नहीं किया जितने प्यार से उन्होंने मुझे किया है अब तक, 4 से 5 बार, ठीक है। अभी तो हमारा मिलना नहीं होता, 1-2 साल हो गए, बट और भी वो मुझे बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं और मेरे अंदर से बस एक ही आवाज़ आती है, नो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। उनको प्यार से मना कर दूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी इंट्यूशन, मुझे उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आता था कि ये इंसान इतने स्वीटली मेरे से बात करते हैं, मैं क्यों विथहेल्ड कर लेती हूँ अपने आप को, अपने इमोशंस को इनसे दूर रहने में। फिर समय बीता, वैसे तो मुझे समझ में आया कि उनके कुछ मतलब लक्षण और कांड और वो सब मुझे वाया वाया किसी से पता चले, तो मुझे ये समझ में आया कि आपकी इंट्यूशन आपका कितना बड़ा पावर है आपको नेगेटिव लोगों से काट के रखने में। अगर आपका दिल किस चीज़ के लिए नो बोलता है, डोंट डू इट, और आपको उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो वो आपकी आत्मा, आपका कुदरत, आपका यूनिवर्स आपको रोक रहा है क्योंकि उनको आगे खाई दिख रही है,
ठीक है, वो लोग आपको भी गलत अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो किसी भी तरह से टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, मैंने दो तरह के लोग बोले हैं, वो चाहे दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी है, जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दोज पीपल। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग है म्यूज़िक का प्लेलिस्ट, मोटिवेशनल गाने, हिंदी, इंग्लिश, रोमांटिक गाने, एकदम रात चांद वाले गाने, चांद के गाने का प्लेलिस्ट, जो भी आपके दिल को भाता है वैसे गानों का प्लेलिस्ट। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि म्यूज़िक जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों को क्योर करता है, इंसोमनिया जिनको नींद नहीं आती है उनको हेल्प करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है रक्त का प्रवाह जो है वो बहुत इजी कर देता है। तो म्यूज़िक जो है वो आपको खुद से जोड़ता है। अगर अब भी आप डाउन हैं और एक मज़ेदार गाना अपनी पसंद का लगा दे, तो उससे बड़ी रेमेडी नहीं है जो इंस्टेंटली आपका मूड लिफ्ट कर दे। तो अपने मोबाइल के अंदर, कोई भी डिवाइस के अंदर, अपनी पसंद के 3-4 प्लेलिस्ट, डिवाइन प्लेलिस्ट, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, महिषासुर मर्दिनी हो गया, गजानन स्तोत्रम हो गया, ठीक है, त्र्यंबकम यजामहे हो गया। मैं हिंदू हूँ तो मैं वो स्रोत की बात करूँगी जो मैं जनरली सुनती हूँ, पीसफुल गायत्री मंत्र हो गया, बहुत सारे लोग हैं, ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों का लिस्ट बना के अपने फ़ोन के अंदर सेव रखिए। जब भी आपको डाउन फील हो, इन सारी चीज़ों को सुन के अपने मूड को लिफ्ट कर सकते हैं जब भी आपको दिन में डाउन फील हो। थर्ड जो है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आपको मेडिटेशन जचता है बहुत अच्छा है, रात को सोते टाइम आप सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे इसमें से कुछ भी नहीं होता है, जिस ये चीज़ करनी है कि रात को सोते टाइम 5 या 10 चीज़ें गिन के सोनी है कि किसी किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल है, और आँख खुलते ही 5 या 10 चीज़ें बोलनी है कि परमात्मा तेरा शुक्रिया, आज का दिन देखा, मेरी आँख खुली, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं अपना घर फिर से देख पा रही हूँ, मेरे माता पिता, मेरा घर बहुत ठीक है, मेरे पार्टनर ठीक है, हमारा बेड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ग्रैटिट्यूड के साथ अपना रिश्ता बहुत गहरा बना के रखिए दोस्तों, जब तक जिएंगे, जब तक सांसें चलेगी काम आएंगे। ग्रैटिट्यूड रखने वाली जो सोल्स होती है वो बहुत अच्छा जीवन जी सकती है, ठीक है, बहुत खुश रह सकती है। नेक्स्ट शो है इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, डराने वाली, ऐसी सब चीज़ें ना देखिए। मोटिवेशनल हो, पॉजिटिव हो, वो सारा कंटेंट, कॉमेडी वीडियो बहुत ज़्यादा देखिए, ये आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करेगा। मोटिवेशनल स्ट्रॉन्ग या मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है हिंदी के अंदर, आप जो ढूंढेंगे मिलेंगे। हिंदी मोटिवेशनल वीडियो ये लिख दिया यूट्यूब के अंदर, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। जस्ट कंज्यूम द थिंग्स विच अपलिफ्ट योर स्पिरिट, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जो वैल्यू ऐड करे, जो 15-20 मिनट आप इंटरनेट के ऊपर गुजार रहे हो या 1 घंटा या 2 घंटा, वो आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है वो देखिए, आपको उस चीज़ को देख के अच्छा लगना चाहिए। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी क्रिएटिव चीज़ के अंदर अपने आप को इंडल्ज कीजिए। किसी के लिए कुकिंग एक क्रिएटिव काम हो सकता है, ठीक है, जो मेल है वो क्रिकेट खेल के उनको बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से मिल के उनको बहुत अच्छा लगता है। क्रिएटिव काम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, एक तो है कि जो काम आप पैसा कमाने के लिए करते हैं रूटीन में, लेकिन एक है कि आपका पैशन, आपको हॉबी, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को कोई भी तरह की आर्ट करना पसंद है, ठीक है, इंटरनेट पे वीडियो बनाना पसंद है, वीडियो बनाना सीखना पसंद है, कोई भी ऐसा काम जो आपके अंदर के क्रिएटिव इंस्ट्रिंग को जगाए, ठीक है, वो प्लीज़ करते रहिए। मैं पॉइंट एक बार रिपीट कर देती हूँ, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से 100% अपने आप को काट के रखना है। ये लोग ना अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे ना आपका कुछ होने देंगे। सेकेंड, म्यूज़िक
प्लेलिस्ट बनाना है अपनी पसंद का, डिवाइन बनाइए, मोटिवेशनल बनाइए, रोमांटिक बनाइए और उसको ज़रूर सुनिए। थर्ड, ग्रैटिट्यूड से अपना नाता मत तोड़िए। चाहे आप मेडिटेशन ना करें, कुछ भी ना करें अफर्मेशन, लेकिन अपने जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड को स्थान ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट है, पॉजिटिव और मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है जिनको सुनते ही आपकी स्पिरिट जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है। तो एक वीडियो एटलीस्ट ऐसा ज़रूर सुने जो आपकी आत्मा को उत्साह से भर दे। और लास्ट, अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई काम, वो चाहे कुकिंग हो भी ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो करके आपको मज़ा आए, जो आपको लगे कि मैंने कुछ किया, सेटिस्फेक्शन दे। रूटीन काम ऑफिस में, घर में, वो तो हम करते ही है, लेकिन जो आपको जेन्युइन हैप्पीनेस दे, पीस दे, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन दे, वो हम हर किसी इंसान को करना चाहिए। ये चीज़ थी, होप आप में से किसी को ये चीज़ हेल्प की। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।